के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 Plus Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को आप तीन तरीकों से बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका ये होता है आप अपने फोन में किसी भी मेमोरी कार्ड का यूज कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये होता है आप अपने फोन में किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे प्ले स्टोर में काफी सारे क्लाउड ऐप स्टोरेज ऐप अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका ये होता है आप अपने फोन से फालतू का डेटा हटा देंगे तो इससे फोन का स्टोरेज बढ़ जाता है। तो मैं आपको इस आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं तीसरे तरीके के जरिए, यानी कि फोन से फालतू का डेटा हटा के फोन का स्टोरेज आप कैसे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए पहले तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम यह करना है कि आपके मोबाइल फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको ना बैकअप सेटिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो जिस जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप में बैकअप सेटिंग को बंद करना है। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल के लिए मैं अपने फोन की गैलरी को ओपन करता हूं। गैलरी में देखिए राइट साइड के टॉप पर प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे आपको टैप करना है। आपका एक पेज आता है, इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है, तो बैकअप इसे ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को यहाँ पे पहले से बंद करके रखा हुआ है। अगर आपकी बैकअप सेटिंग यहाँ पे चालू रहती है तो इसके ठीक नीचे ऑफ का बटन होगा या फिर डू नॉट बैकअप लिखा होगा, उसे टैप करके बैकअप सेटिंग को इसी तरीके से बंद रखना है। इसी तरीके से आपको और भी जिस जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप में भी बैकअप सेटिंग को इसी तरीके से बंद कर देना है, ठीक है। एक काम यह भी करना है कि आपकी जो फोन की गैलरी है ना, फोन की गैलरी में आपकी जितनी फालतू की फोटो वीडियो है, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो परमानेंट आपको डिलीट करनी है, ठीक है। अब देखिए एक काम और ये भी करना है, आपके फोन में जितने फालतू के ऐप है उन सभी फालतू के आपको अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। आखिरी काम ये करना है कि मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे की साइड ना ये ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको है ना इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। नीचे पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके मोबाइल फोन में जितना भी बचा हुआ डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे तरीके आपको यूज करने हैं, इससे आपके फोन का स्टोरेज जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना।